हेलो एंड व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल राइजिंग आर्टवर्क। होप यू गाइस आर डूइंग बेस्ट, अमेजिंग और बहुत ही ज्यादा ऑसम। सो गाइस, फाइनली इस वीक के आर्टवर्क के साथ मैं वापस आ चुका हूँ, और इस वीक का जो आर्टवर्क था वो भी बहुत ही इंस्पायरिंग शख्सियत का मैंने क्रिएट किया है, जिनका मैं आर्टवर्क आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ। उनका जो रेफरेंस पिक्चर था वो काफी टाइम तक मेरे टू डू आर्टवर्क गैलरी में था, और मैं बना नहीं पाया था कुछ बीते हफ्तों में, क्योंकि एक आर्टिस्ट को हमेशा किसी पिक्चर को क्रिएट करने से पहले या किसी कैरेक्टर को बनाने से पहले उस कैरेक्टर को अपने जहन में पूरा बिठाना पड़ता है। तो शायद कहीं ना कहीं मैं उस कैरेक्टर को बिठाना मिले पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, क्योंकि वो इतने बड़े शख्सियत हैं कि इट वॉज लिटल डिफिकल्ट फॉर मी टू ग्रास्प दैट कैरेक्टर एंड टू पोर्ट्रे दैट ऑन टू द पेपर। तो बट स्टिल आई मैनेज, क्योंकि उनको पोर्ट्रे करने से पहले भी उनके रिगार्डिंग मुझे काफ़ी स्टडी करनी पड़ी थी, रिसर्च करना पड़ा था, तब जाके भी उनके जो कैरेक्टर को मैं अपने माइंड में बिठा पाया हूँ, अपने जहन में बिठा पाया हूँ, देन आफ्टर दैट उसको ट्रांसफर कर पाया हूँ ऑन टू द पेपर। तो मैं बात कर रहा हूँ जिस शख्सियत की, वो शख्सियत है वन एंड ओनली हमारे भारत के सबसे लोकप्रिय महान उद्योगपति और बिजनेस टाइकून सर रतन टाटा, जिनका मैंने पोर्ट्रे क्रिएट किया है। इट वॉज़ रियली अमेजिंग एक्सपीरियंस फॉर मी, क्योंकि एक इतनी बड़ी हस्ती का पोर्ट्रे क्रिएट करना एक अपने आप में ही एक गर्व की बात होती है हमेशा एक आर्टिस्ट के लिए, और आई थिंक इससे बढ़ के आई थिंक इस वीक का कोई बेटर कॉन्टेंट आर्टवर्क के लिए मेरे लिए हो नहीं सकता था। मैं आपको आर्टवर्क दिखाने जा रहा हूँ, और इसकी डिटेलिंग क्या है मैं आपको थोड़ी बहुत बताऊँगा। सो दिस वॉज माई आर्टवर्क दैट आई हैड क्रिएटेड, सर रतन टाटा, जैसा कि आप देख रहे हैं। ब्लेजर इनका पूरा चारकोल एंड ग्रेफाइट पेंसिल का मिक्सचर बना के जो पाउडर मैंने यूज़ किया था उससे मैंने इनके ब्लेजर को टेक्सचर किया है, एंड जो इनका फेस है उसको विद द हेल्प ऑफ 2B, 5B, 4B, and 6B पेंसिल शेड किया है। हाईलाइट्स के लिए मैंने नेटिंग इरेजर यूज़ किया है, और जो हेयर हाईलाइट्स हैं जैसे कि वाइट शेड्स जितनी भी हेयर में है वो मैंने क्रिएट की है यूजिंग पेंसिल इरेजर। तो जो टाइम मुझे लगा इस आर्टवर्क को क्रिएट करने में 6 से 7 घंटे का टाइम लगा। नाउ रेस्ट यू कैन वॉच इन द वीडियो, सो लेट्स गेट स्ट्रेट अवे टू द वीडियो।
guys, thank you for watching this video. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो please do hit the like button. Along with that, जितने भी friends के साथ share करना चाहते हो, जितनी भी आपकी capacity है friends के साथ share करने की, उतने friends के साथ share करो. Comment down करो आपको कैसा लगा ये artwork, आपके views क्या है इस artwork को लेके, और suggestions जो भी आपकी हैं. मैं देखता हूँ कि कुछ कुछ लोग मुझे कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं मेरे काम के रिगार्डिंग. जो भी आपके सजेशन या व्यूज़ हैं वो आप नीचे कमेंट डाउन में कमेंट कर सकते हो. अलॉन्ग विद दैट, लास्टली बट नॉट द लीस्ट, अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाना अलॉन्ग विद द बेल आइकन, सो दैट यू मैन नेवर मिस एनी वीडियो अपडेट फ्रॉम राइजिंग आर्टवर्क. आने वाले टाइम में मैं बहुत अमेजिंग आर्टवर्क्स लाने वाला हूँ अपने चैनल पे, सो मेक श्योर यू विल सब्सक्राइब टू द चैनल, क्योंकि आपके हर एक सब्सक्रिप्शन से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, पुश मिलता है और सपोर्ट मिलता है. सो प्लीज़ हेजिटेट मत करना सब्सक्राइब करने के लिए. और राइजिंग आर्टवर्क के सोशल मीडिया हैंडल्स जो हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, तो आप उसके थ्रू वहाँ पे मेरे साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं. एंड अलॉन्ग विद दैट, यहाँ स्क्रीन पे भी दिए होंगे सोशल मीडिया लिंक्स, तो आप देख सकते हैं एंड वहाँ पे जाके फॉलो कर सकते हैं. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. दिस इज एन आर्टिस्ट साइनिंग ऑफ.